नमस्कार, मैं हूँ निसार अंसारी और नेटवर्क महानगर न्यूज में आज ही आप लोग आगे बात कर रहा है। स्कूल मंदिर जो मुंबई के अंदर स्थित है वहाँ पर हम मौजूद हैं और यहाँ पे एक जो स्पेशल कार्यक्रम जो दिया गया है इसकी शुरुआत यहाँ से की गई है। जिस तरह से हमारे सांस्कृतिक कुंभ जो 2019 का उत्तर प्रदेश के अंदर होने वाला है, आज यहाँ पर जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी यहाँ पर आए और मुख्यमंत्री जी फडणवीस जी यहाँ पर आए और उन्होंने मुंबई को और मुंबई की जनता को कुंभ में आने के लिए एक न्योता, जिसको आप कहेंगे कि एक न्योता उन्होंने दिया है और ये अपने आप में एक विशेष है। पूरे भारत के अंदर जो संस्कृति है और उस संस्कृति को लेकर के जो आज सारे मंत्रिमंडल के लोग यहाँ पर उपस्थित हुए और आम जनता को उन्होंने मैसेज देने का काम किया, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा ही पर्व भारत देश के अंदर मनाया जाने वाला जो कुंभ का मेला जिसको हम सुनते थे, लेकिन उसको एक सांस्कृतिक तरीके से मनाने का जो प्रयास उत्तर प्रदेश की सरकार करने जा रही है और सेंट्रल की सरकार उसमें पूरी सहयोगी है और उन्होंने महाराष्ट्र के अंदर जो है आज इसके पैगाम को लेकर के आए वो यहाँ पर पहुँचे और उसी के चलते हमने बहुत सारे जो यहाँ पर लोग थे उनसे भी बातचीत। हमारे साथ में सुषमा मिश्रा जी हैं और इस प्रोग्राम से जुड़ा हुआ जो सांस्कृतिक कुंभ का आयोजन जो होने वाला है उसके विषय पे हम बात करेंगे। मैडम, क्या लगता है आपको कि किस तरह से ये होने वाला है? कुंभ इतने सालों से सुनते आ रहे हैं, इसके प्रोमोज देखे, मतलब इतने सालों में पहली बार लग रहा है कि कुंभ जाना ही है। इस बार जो होगा बहुत ही अनएक्सपेक्टेड होगा और बहुत ही अच्छा होगा, बहुत ही सिस्टमेटिक होगा। जिस तरीके की व्यवस्था और सब कुछ बताई गई है उससे देखकर मुझे लग रहा है इस बार मुझे ही नहीं बल्कि हमारी पूरी फैमिली जहाँ जहाँ है हम सब ने डिसाइड किया है, मैंने यहाँ पर बैठकर जो देखा है कि हमें जाना ही है। पूरे देश में इसका प्रसार होगा, अभी एक एक करके महिला मातृशक्ति का, युवा शक्ति का, इस तरह का अलग अलग होगा, लेकिन हमने सोचा कि मुंबई चूंकि आर्थिक राजधानी के साथ साथ यहाँ पे संस्कृति जगत के भी बहुत सारे रंगकर्मी हैं, सिनेमा तो है ही डेफिनेटली, तो उन सबको भी जो है उनके विषय पहुँचाया जाए और उनको एक आह्वान किया जाए। तो उसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी, माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री योगी आदित्यनाथ जी, माननीय फिल्म मेकर भाष गई जी, जी के चेयरमैन, जी ग्रुप के डॉक्टर सुभाष चंद्र, इन सबका उनको आशीर्वाद प्राप्त हुआ और ये कार्यक्रम आप सबके सामने है। और फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए बहुत सारे जो नाम एक दिग्गज अपने आप में महत्व रखते हैं वो इस प्रोग्राम में शामिल हुए और भी फिल्म इंडस्ट्री में काम करने वाली इज अ मॉडल। मैडम, आपका नाम क्या है? मौसमी उदेश। आज का जो सांस्कृतिक कुंभ का कार्यक्रम हुआ इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? बहुत ही अच्छा था। इनफैक्ट यूथ हमेशा कल्चर से बहुत ही दूर भागता रहा है, हमेशा वेस्टर्न कल्चर को अपनाया है यूथ ने ऑलवेज, सो दिस इज़ अ वेरी गुड यू नो ब्रेक फ्रॉम द नॉर्मल। फलसफा भी है और उन्होंने से कहा था उस हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी जी जियो जो है सदा कल हो चाहे जो तुम्हें पूरे दिल से मिलता है वो मुश्किल से ऐसा जो कोई कहीं है बस वही सबसे हंसी है उस हाथ को तुम थाम लो वो मेहरबान करो। ना हो